आपने कभी सोचा है कि बर्फ से बना हुआ इग्लो अंदर से गर्म कैसे होता है? चलिए जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमें ठंड तब लगती है जब हमारे शरीर से हीट निकलती है। हीट हमेशा ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। हमारा शरीर रेडिएशन के जरिए हीट निकालता है। अगर इस रेडिएशन को किसी तरह से रोक लिया जाए तो हम ठंड से बच सकते हैं। इग्लो के काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें इग्लो के बुनियाद को समझना होगा। आइस और स्नो के बीच का फर्क समझना होगा। आमतौर पर हम आइस और स्नो दोनों को बर्फ बोलते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अलग चीजें होती है। आइस यानी बर्फ पानी के पूरी तरह जमने से बनती है, जबकि स्नो में लगभग 10% वाटर और 90% एयर होता है। ये स्नो हीट की बहुत बुरी कंडक्टर होती है। जब इग्लो के अंदर आपका शरीर हीट रेडिएट करता है तो ये हीट ऊपर जाती है। स्नो के बुरे हीट कंडक्टर होने के कारण ये हीट उसके बाहर नहीं जा पाती है, इसलिए इग्लो अंदर से गर्म होता है।